greet each and every one of you in the mighty holy name of Jesus Christ, our Lord and Savior. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हम अभिवादन करते हैं. We are so happy that you could come and join with us and appreciate all the work that has been done to prepare this message of half an hour for you. और निश्चय हम इस बात की सराहना करते हैं कि जब हम आपके लिए पूरी मेहनत मशक्कत के साथ में इस प्रोग्राम को तैयार करते हैं, आप इस आधे घंटे को हमारे साथ में बिताते हैं. You can imagine with the work that is going on and the research, the amount of time it takes to do just a half an hour program. आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हम इसके बारे में कितनी खोज करते हैं ताकि इतनी जानकारी पाए, ताकि ये आधे घंटे का प्रोग्राम हम बना सके. But today we are doing a very interesting and a very popular subject, I should say, and that is the woman of Esther. और आज हम बाइबल की एक बहुत ही विख्यात स्त्री के बारे में इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे और इसका नाम है एस्तेर. Most of us are very familiar with the name of King Nebuchadnezzar. हम में से बहुत से लोग राजा नबूकदनेस्सर इस नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं. He was the great king of Babylon. वो तो बेबीलोन का एक महान राजा था. And he demolished the first temple built by King Solomon. और राजा सुलेमान के द्वारा जो पहला भवन बनाया गया था, इसी ने उसे नाश किया था. In the year 586 BC. 586 ईस्वी सन पूर्व के समय में. I'm sure you all know what this BC means. मैं अनुमान लगाती हूँ कि आप ईस्वी सन पूर्व का अर्थ जानते हैं. Before Christ. और वो है मसीह के पहले. So we see, and Nebuchadnezzar took people captives to Babylon. That's his land. और हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जो है, वो तो बेबीलोन में इन लोगों को बंदी बनाकर लेकर जाता है. बेबीलोन उसकी राजधानी थी. And he took them as slaves and young men. Who were selected and trained for administration purposes. वो उन्हें वहाँ पर गुलाम के रूप में लेकर जाता है, लेकिन वो कुछ जवानों को वहाँ पर ट्रेन करता है ताकि उसके प्रबंधन के काम में वो उसकी मदद कर सके. Let's see again the prophetic word, because Isaiah would have written this prophecy many, many hundreds of years earlier. चलिए इस भविष्यवाणी के वचन को देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यशायाह ने ये भविष्यवाणी जो है बहुत बहुत साल पहले ही लिख दी होगी. We look at the prophecy of Isaiah 45 verse 1. यशायाह अध्याय 45 वचन 1 में इसके बारे में हम भविष्यवाणी को यहाँ पर देखते हैं. Thus saith the Lord. यहोवा यूं कहता है. To his anointed. अपने अभिषिक्त के बारे में. To Cyprus. वो कुसरू के विषय यूं कहता है. Whose right hand I have holden. मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है. To subdue nations before him. कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, इस तरह कहता है. And I will loosen the loins of kings. और राजाओं की कमर ढीली करूं. To open before him. कि उसके सामने मैं खोल दूं. That is the two-leaved gates. फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं. And definitely the gates will not be shut. यानी निश्चय ही वो फाटक फिर कभी बंद न होने पाए. So we see the Persian king Cyrus captured Babylon. और हम देखते हैं कि ये फारस का जो राजा था कुसरू, वो बेबीलोन के ऊपर में अधिकार करता है. After 70 years in captivity. 70 साल तक वहाँ पर बंधवाई में रहने के बाद में. That he permitted the Jews to return to their homeland. वो वहाँ पर यहूदियों को अनुमति देता है कि यहूदी लोग वापस फिर से अपने देश में लौट सके. You all could guess where is the Jews' homeland? That is Jerusalem. और आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यहूदियों की जो भूमि है वो तो यरूशलेम है. In the year 538 BC. 538 ईस्वी सन पूर्व की ये जो बात है जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं. So in the year 536 BC, यानी 536 ईस्वी सन पूर्व के समय में, Zerubbabel left with 49,897 people. जरुबाबेल 49,897 लोगों के साथ में वहाँ से निकल पड़ता, इस बात को हम देख सकते हैं. And where did he go? और फिर वो कहाँ गया? He left to Jerusalem. वो यरूशलेम की ओर निकल पड़ा. These people went there to build the altar and lay the foundation for the temple. और ये लोग वहाँ पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाने और भवन के लिए नींव रखने के लिए उस जगह पर गए थे. They were very staunch about it and very strong that they had to do this. और वो इसके बारे में बहुत ही सटीक थे, निश्चित थे कि उन्हें ये करना ही होगा.
Then in 458 BC, और फिर 458 ईस्वी सन पूर्व में हम इस बात को देखते हैं. Ezra, with the permission of King Actarus, came back with 5,000 people. कि एज़रा जो है वहां पर के उस समय के राजा से अनुमति लेकर लगभग 5,000 लोगों को लेकर आता है. The time between Zerubbabel's return and the return of Ezra is about 78 years. That is, they came back to their homeland. और जरुबाबेल से लेकर एज़रा के समय तक ये जो समय है, ये तो कुल मिलाकर लगभग 78 साल का समय था, यानी जब वो इस्राइल में वापस आए थे. And that is in the year 536 BC to 458 BC. और ये साल था 536 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 458 ईस्वी सन पूर्व का समय यही था. And between Ezra and Nehemiah, even if you look in the Bible, you'll see Ezra comes first and then Nehemiah comes. और यहाँ तक कि Ezra और Nehemiah के बारे में अगर आप देखें, तो आप Bible में पाएंगे कि Ezra पहले आता है, उसके बाद में Nehemiah आता है. Was another 14 years. और इस बीच में लगभग और भी 14 साल बीत जाते हैं. That is 458 BC to 444 BC. यानी 458 ईस्वी सन पूर्व से 444 ईस्वी सन पूर्व का ये जो समय होता है. We have just heard that the first temple was destroyed. और जैसे कि हमने अभी अभी सुना है कि जो पहला भवन था वो तो नाश कर दिया गया था. And then the story of the second temple was announced, and the temple was built in the period of Zerubbabel, Ezra and Nehemiah. और फिर यहाँ पर दूसरे भवन के बारे में ये कहानी है जो कि जरुबाबेल, एज़रा और नेहमा के समय में बनाई जाती है. Of all the people who went to Babylon, only these few people returned. और सभी लोग जो बेबीलोन में गए थे उनमें से केवल यही कुछ चुने हुए लोग वापस लौट आते हैं. Whereas the others just stayed back in Babylon. जबकि बाकी सभी लोग वहाँ पर बेबीलोन में ही रहते हैं. Because Babylon was a rich country, it gave paid them well, they worked well, they enjoyed the food and the good life in Babylon. क्योंकि बेबीलोन में उन्हें अच्छी मजदूरी मिलती थी, वो अपना काम वहाँ पर बड़ी ईमानदारी से करते थे और वो वहाँ पर मेहनत से काम करते थे और जो कुछ भी वो काम करते थे उनका पैसा मिलता था, वो अपने जीवन का आनंद उठा सकते थे. Remember, Daniel was the prime minister of the Persian kingdom at that time. याद रखिए उस समय फारस के राज्य का प्रधानमंत्री तो दानियल था. And through his influence, many Jewish people were given good postings. That is, they had high positions in the government. और उसके प्रभाव के द्वारा बहुत से यहूदी लोगों को सरकार में वहाँ पर बहुत से ऊंचे पद दिए गए थे. These people learned the language very fast and they settled there. और ये लोग वहाँ पर की भाषा बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी सीखे और वहीं पर वो स्थापित हो गए. A few people were employed, of course, in the palace. और अवश्य ही उनमें से कुछ लोग जो है उनकी नियुक्ति राजमहल में भी हुई. And Mordecai was one such person employed. और मोर्दकई उनमें से एक ऐसा ही व्यक्ति था. At the entrance of the Shushan palace as a security guard. वो वहाँ पर शुशन के महल के पास एक security guard या फिर एक रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. We will see later how Mordecai, an ordinary security officer, now has become the prime minister. और हम कुछ समय बाद देखेंगे कि मोर्दकई जो कि एक सामान्य सुरक्षा का अधिकारी था, वो आगे जाकर प्रधानमंत्री बन जाता है, एक मुख्य अधिकारी बन जाता है. Now between the time of Zerubbabel and Ezra. अब यहाँ पर जरुबाबेल और एज़रा के समय के बीच में. That is from the first and the second return. यानी पहली बार वापस आने और दूसरी बार वापस आने के बीच का जो समय था उस बीच. One important person played the protective role of the Jewish people. उस बीच यहाँ पर यहूदी लोगों के लिए एक व्यक्ति ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. And that one person is none other than Queen Esther. और वो एक व्यक्ति और कोई नहीं, बस रानी एस्तेर थी. If you read Ezra chapter 6 and 7, especially the 7th chapter. अगर आप एज़रा में अध्याय 6 और अध्याय 7 पढ़ते हैं, और खास करके मैं आपको बताऊं, अगर अध्याय 7 आप पढ़ते हैं. And chapter 7, after these things, Atrex became the king of Persia. और उसके बाद में अध्याय 7 में आप देखते हैं कि इन सारी बातों के बाद में श्रेस जो राजा था, वो वहां पर फारस का राजा बन जाता है. Now we haven't come to the actual topic of Queen Esther
But look how the people in our own country, India, name their daughters so easily and so beautifully as Esther's. अब तक तो हमने एस्तर के चरित्र के बारे में नहीं देखा, लेकिन जरा सोच के देखिए कि हमारे इस भारत देश में बहुत से लोग अपनी बेटी का बड़ी खुशी के साथ में नाम रखते हैं, वो अपनी बेटी का नाम रखते हैं एस्तर. Because she played a major role in history also. क्योंकि उसने इतिहास में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. Esther was a well-respected lady in the Jewish culture, and a festival is held remembering her. और निश्चय एस्तर जो है वो तो यहूदी परंपरा में एक बहुत ही आदरणीय ऐसी स्त्री है, और उसे याद करते हुए एक उत्सव भी मनाया जाता है. That is Purim festival. और उसे कहते हैं प्यूरिम उत्सव. It's held even now. और इसे आज भी मनाया जाता है. And the five important festivals of the Jewish culture in a year. और साल में जो पांच बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे यहूदी जो पर्व होते हैं उनमें से एक है. This is one of the most important festivals where the book of Esther is read. और यही तो एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जहां पर एस्तर की किताब पढ़ी जाती है. It was Zerubbabel, Ezra and Nehemiah who were ascribed greatly to the rebuilding of the temple. और इसमें जरुबाबेल, एस्तर और नहेमिया के बारे में यहाँ पर जोर देकर बताया जाता है कि उन्होंने परमेश्वर के भवन को फिर से निर्माण किया. Though Esther did not play a direct role in the rebuilding, she played an important role in the Jewish restoration. हालांकि एस्तर ने वहां पर सीधी भूमिका नहीं निभाई, लेकिन उसने एक ऐसी भूमिका निभाई जिसके कारण वहां पर यहूदी लोगों को फिर से बसाया गया, यहूदी लोग फिर से उस देश में रह सके. Now you can sit very comfortably because this is a very popular story in the book, not only in the book. And as a preaching, many, many women preach this quite often in their sermons. और निश्चय आप बड़े आराम से बैठकर इस सारी शिक्षा को सुन सकते हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसे बहुत से जो प्रचारक हैं अपने प्रचार में इसके बारे में जरूर प्रचार करते हैं, वो इसे बताते हैं. So this week we'll get to know a little bit more about the great lady Esther. और इस हफ्ते हम महान स्त्री एस्तर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे. Esther meaning the name of a star. और एस्तर इस नाम का मतलब है, ये तो एक तारे का नाम है. And Esther's Hebrew name is Hadassah, which means hidden. और निश्चय ही एस्तर के लिए हिब्रू जो नाम था वो था अदासा, और इस नाम का अर्थ होता है ये तो छिपी हुई है. We read this in chapters 2 and 7. और हम इसके बारे में अध्याय 2:7 में इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं. The incidents in the book of Esther took place over a period of about 10 years. और एस्तर की कहानी इस किताब का जो ये समय है लगभग 10 साल के समय के बीच में हुआ है. During the reign of Xerxes, known as Ashurus in Hebrew. और Xerxes यानी जिसे हिब्रू में श्रेष्ठ राजा के नाम से जाना जाता है, ये उसके राज्य के दौरान हुआ है. As you start opening the Bible and turn to the book of Esther, at the outset you will see the author is unknown. और निश्चित जब आप एस्तर की किताब खोलते हैं और उसके लेखक के बारे में आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप जानते हैं ये तो एक अनजाना लेखक है. The author may have lived during the days when the Persian power was reigning and the Greek power was slowly beginning to rise. और निश्चय यहाँ पर जो लेखक है ये तो उस समय जीवित रहा होगा जहाँ पर ग्रीक जो सामर्थ्य है वो तो घटती जा रही थी और पर्शियन सामर्थ्य जो है वो तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी. And there is a guess here which says probably the author could have been a person who witnessed the incidents of a person well connected to the palace. और निश्चय इस तरह से कहा जाता है कि इसका जो लेखक है ये तो ऐसा व्यक्ति होगा जो कि वहाँ पर उस समय राजमहल से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ होगा, जुड़ा होगा. Therefore, he got a lot of information about the palace people. और इसलिए उस समय वहाँ पर महल के जो लोग थे उनके बारे में उसके पास काफी जानकारी होगी. So from this book we learn about the rules and regulations, the customs and the working of the palace. और निश्चय इसके द्वारा वहाँ पर उस राजमहल में जो भी काम होता था, जो भी तरीका था उनका और उनके जो नियम थे उसके बारे में हम बहुत कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं, जान सकते हैं. The Bible does not give much details about her parents. बाइबल जो है वो तो एस्तर के माता पिता के बारे में ज्यादा विवरण नहीं देती है. But we presume that her grandparents would have been taken as captives to Babylon and they settled there. और हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उसके दादा दादी या नाना नानी जो थे वो बेबीलोन में बंधवाई में गए थे और वो वहीं पर स्थिर हो गए थे. Since her parents had died, her uncle Mordecai
took Esther as his own daughter. और जबकि उसके माता पिता मर चुके थे, इसलिए उसके चाचा मुर्दकई ने एस्तर को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था. As I mentioned earlier, Mordecai was working in the palace as a security officer. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, मुर्दकई वहाँ पर महल में सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम करता था. Let's go back to the palace in Shushan. अब चलिए यहाँ पर शूशन के इस राजमहल में वापस चलते हैं. At that time, King Xerxes was in the palace. He was also called Ahasuerus. और निश्चित ज़ेक्सिस जो राजा था वो वहाँ पर राजमहल में था और उसे श्रेष्ठ राजा भी कहते हैं. And his wife's name was Queen Vashti. और उसकी पत्नी का नाम था रानी Vashti. She was a very beautiful woman, no doubt. और निश्चित इसके बारे में कोई संदेह नहीं कि वो बहुत ही सुंदर थी. That the king Xerxes was very proud of her beauty. कि राजा जो श्रेष्ठ था वो तो उसकी सुंदरता के बारे में बहुत घमंड करता था. And he was in control of 127 provinces from India to Ethiopia. और वो लगभग 127 राज्यों के ऊपर में राज्य करता था और उसका राज्य हिंदुस्तान से लेकर इथियोपिया तक इतना बड़ा उसका राज्य था, इतना राज्य उसका फैल चुका था. This was the exciting part of the story of Esther. We see that we are directly connected as the India from Indians. और निश्चय हम एक भारतीय होने के नाते अपने देश का नाम बाइबल में देख सकते हैं और हम अपने आप को इस तरह से इसमें जोड़ सकते हैं. The story unfolds in Esther chapter 1 verse 1. और ये कहानी जो है ये शुरू होती है एस्तेर अध्याय 1 वचन 1 से. Now in the days of Ahasuerus, अब राजा श्रेष्ठ के समय में, also called Xerxes, जिसे Xerxes भी कहा जाता है, who reigned from India to Ethiopia over 127 provinces. जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था, इस तरह से बाइबल हमें बताती है. It is interesting for you to note and see the many places that are involved. The fortress of Shushan, the palace of King Xerxes, is now in the northwest province of Iran. अब देखिए यहाँ पर बहुत सी बातें हमें बताई गई जिस पर हमें गौर करना चाहिए. यहाँ पर ये जो है इसके राज्य के बारे में बताता है कि ये ईरान तक फैला था. In the third year of his rule, he wanted to have a very big celebration. उसके राज्य के तीसरे साल वो चाहता था कि एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाए. And to make the celebration grand, he took a lot of time to decorate the palace. और इस उत्सव को बहुत ही बड़ा बनाने के लिए उसने बहुत समय लिया कि अपने राजमहल को और भी सुंदर बनाए. To take part in the celebration, और इस उत्सव में भागी होने के लिए उसने क्या किया? He invited the powers of Persia and Media. उसने मीडा और फारस के जितने भी अधिकारी गण थे उन सभी को न्योता दिया. And that includes the nobles and the princes and all across the far-flung empire. और उसमें उस समय के राज्य में जितने भी बड़े-बड़े अधिकारीगण थे, जितने भी बड़े-बड़े लोग थे, सब वहाँ पर आए थे. This celebration festival was conducted for 180 days. और ये जो उत्सव था, ये लगभग 180 दिन तक वहाँ पर मनाया गया था. You can just imagine what went on in those 180 days. और आप कल्पना कर सकते हैं कि इन 180 दिनों में वहाँ पर क्या-क्या हुआ होगा. During the last 7 days of the festival, food was served in plenty. और निश्चय उस पर्व के आखिरी 7 दिनों में भोजन बहुतायत से दिया गया. And wine was flowing served in golden cups. और निश्चय जो दाखरस था वो तो सोने के कटोरे में दिया जा रहा था. And these servings were unlimited. और ये जो उनका देना था ये तो पूरी तरह से असीमित था, जितना चाहे उतना ले सकते थे. To oversee the arrangements of this festival, और इस पर्व की जो सारी अरेंजमेंट थी उसे देखने के लिए, and to take good care of all the guests, और सभी जो मेहमान उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए, special officers were appointed. वहाँ पर खास अधिकारी नियुक्त किए गए थे. On the last day, the king was in a very merry mood. और आखिरी दिन जो राजा था वो तो बहुत ही आनंदित था, वो बहुत अच्छे मूड में था. He had no control over this, his senses or his speech. और कहिए कि उसे अपने शब्दों के ऊपर में और अपने आपे के ऊपर में कोई भी अधिकार नहीं रहा. As the king had a lot to drink, his only thing now, the next move was to bring his beautiful wife and present her to the company. और कहिए कि अगर राजा वहाँ पर बहुत ज़्यादा शराब पी चुका था, तो उसके मन में यही विचार था कि वो अपनी सुंदर रानी को यहाँ पर सब लोगों के सामने लेकर आए.
So what he did, he commanded he to bring his wife and he would show her beauty off to his guests. और उसने क्या किया? उसने आज्ञा दी कि उसकी जो महारानी है वो आए और उसकी सुंदरता सारे जो मेहमान हैं वो देख पाएं. The drunken king failed to recognize the dignity and the honor of his wife, the queen deserved. और निश्चित वहाँ पर जो शराबी राजा था, उसने अपनी पत्नी जो कि उसकी रानी थी, उसके सम्मान को वहाँ पर अनदेखा किया था. I'm sure you'll also be thinking, what can you expect from a drunken man? और निश्चित मैं जानती हूँ कि आप इस तरह से अपेक्षा कर रहे होंगे कि एक शराबी व्यक्ति से आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? She felt it will be very humiliating to appear before the drunken king. और उसने ये सोचा कि एक शराबी राजा के सामने इस तरह से आना तो सच में अपमानित बात होगी. To be shown off at the banquet before all the people who were also drunk. और निश्चय ही ऐसे भोज में सब लोगों के सामने जाना ठीक नहीं होगा जहां पर सभी लोग पूरी तरह से शराब में मतवाले हो चुके हैं. If she had accepted and obeyed the orders of the king. और यदि वो राजा की इस आज्ञा को मानती और उसे वो स्वीकार करती थी. And if she obeyed the king and appeared before the guests. और यदि कहिए कि वो राजा की आज्ञा मानकर सभी मेहमानों के सामने आ जाती. Esther would not be written to the Jews. तो आज एस्तेर यहूदियों के लिए नहीं लिखी गई होती. And they would not be celebrating the important festival of Purim. और निश्चय ही वो पूरम इस महत्वपूर्ण पर्व को कभी नहीं मनाते. Though this book does not speak directly about the intervention of God. और निश्चय ये किताब जो है ये तो सीधा परमेश्वर के हस्तक्षेप के बारे में सीधे रूप में तो नहीं बताती है. But God loved the Jewish people and he wanted to save them from destruction. और निश्चय ही परमेश्वर जो है वो तो यहूदी लोगों से प्रेम करता है और वो विनाश से उन्हें बचाना चाहता है. Now established that Queen Vashti refused to appear before the king. अब इस बात को देखते हैं कि रानी अवस्थी जो थी उसने राजा के सामने आने से इनकार किया. He was already drunk, maybe he was a little bit more drunk and he became very furious. वो तो पहले ही बहुत शराब पी चुका था और हो सकता है कि उसने और भी शराब पी होगी और ये बात सुनकर वो बहुत ही क्रोधित हुआ. And as he felt insulted before all his important guests. और उसने सभी महत्वपूर्ण मेहमानों के सामने इस बात को सुनकर अपमानित महसूस किया. And all the guests of course will start to whisper that she, the queen Vashti, has disobeyed the king. और निश्चित सभी मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे होंगे कि रानी जो अवस्थी है उन्होंने राजा की आज्ञा को भंग कर दिया. The king was in a terrible drunken state. अब राजा तो बहुत ही ज्यादा शराब पी चुका था. Suddenly he feels embarrassed. और अचानक उसे यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस होती है. And he consults with the wise men. और वो वहाँ पर बुद्धिमान लोगों से संपर्क करता है. This we read in the book of Esther, chapter 1, verses 12 to 13. और इसके बारे में हम एस्तेर की किताब अध्याय 1 वचन 12 से 13 में पढ़ सकते हैं. But the queen Vashti refused to come at the king's commandment by his chamberlains. लेकिन यहाँ पर रानी जो अवस्थी थी उसने राजा के सामने यहाँ पर उस समय आने से इनकार किया था. Therefore the king was very wroth. और इस कारण राजा का क्रोध भड़क उठा था. And his anger burned in him. और मानो उसका क्रोध उसके अंदर में जल रहा था. Do we see one Memucan, one of the wise men present here, instead of speaking the law, he turns the situation to suit him by portraying. अब हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर आता है और इसके बजाय कि वो नियम और कानून से बात करे उसने ऐसी बात की जो बस केवल राजा को पसंद आए. The disobedience of the queen as in the situation to suit him. और निश्चय इस तरह से ऐसा दिखाई देता था कि रानी ने जो आज्ञा भंग की ये व्यक्ति तो बस इसी मौके की राह देख रहा था. And this was viewed at this big banquet by many Persian women. और निश्चित बहुत सी फारस की जो स्त्रियां थी उन्होंने इस बड़े भोज में इन सारी बातों को देखा था. And this Memucan, what he did, dressed a little bit forward and he says, who says and will now begin to disobey their own spouse's order. और ये ममुकान जो था वो आगे बढ़कर ये कहता है कि इसके कारण ऐसा हो गया कि जो पत्नियां हैं वो अपने पति की अभी बात नहीं मानेंगी तो वो इस तरह से उसे अपमानित करते जाएगी. This speaks a lot of how women were treated in Persia those days. और निश्चय ये बताता है कि उन दिनों में फारस में स्त्रियों के साथ में कैसा व्यवहार होता था. But remember, Queen Vashti was an individual who refused to appear before the king. लेकिन इस बात को याद रखिए कि वश्ती जो रानी थी उसने राजा के सामने आने से व्यक्तिगत रूप में इनकार किया था.
But Mimikan used this to his advantage. लेकिन ममुकान जो था उसने अपने लाभ के लिए इस वाक्य का उपयोग कर लिया. And he says that all women living in the Persian kingdom, thus blowing a minor issue into a major problem, will also disobey their husbands. और ममुकान ने इस तरह से कहा कि यहाँ पर फारस में जितनी भी स्त्रियां रहती है वो तो निश्चय इस बात का उपयोग करेगी कि अपने पति की जो आज्ञा है उसका आज्ञा भंग करे और निश्चय अपने पति की बात न माने. Immediately a law was passed in the land. और निश्चय उसी समय जो है उस देश में एक कानून जो है वो बनाया गया. Vashti was removed from her official position of being queen and she had to be replaced. और निश्चय रानी जो वश्ति थी उसे महारानी के पद से हटा दिया गया और उस जगह पर किसी और को महारानी के लिए ढूंढने का प्रयास किया गया. So we see this was done to make all the wives in the country to listen and obey their husbands. और देखिए हम इस बात को देखते हैं कि ये नियम इसलिए बनाया गया कि उस देश में जितनी भी पत्नियां थी वो अपने पति की आज्ञा माने और उसके अनुसार करे. Suppose such a rule was passed today. कहिए कि अगर इस तरह का कोई नियम हमारे देश में लाया जाए. Can you imagine the plight of the wives before their drunken husbands today? तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पत्नी अपने शराबी पति के सामने किस तरह से खड़ी रहेगी और क्या उसकी बात सुनेगी? Maybe you could still expand a lot on the story. There are still a lot more points that you could look at. And it's an interesting story. As a woman, I would really advocate to read and understand this book very thoroughly, and that is Esther. और निश्चय एक स्त्री होने के नाते मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि आप एस्तर की किताब पढ़ते चले जाएं और इस कहानी में जो भी बातें आती हैं उन सारी बातों को आप खुद अच्छे से देखते चले जाएं और अपने जीवन में इन सारी बातों का आप उपयोग करते चले जाएं, इन बातों का आप गहराई से देखते चले जाएं. From just an ordinary girl, how she was raised to be a queen. कि कैसे एक सामान्य स्त्री एस्तेर आगे जाकर एक रानी हो जाती है. May God bless each and every one of you. परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे. Till we meet again next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होने तक. Yom Shemeid, Hallelujah, Al Ma Shehaya, U Ma Sheot Lo.